हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ कांस्टेबल स्टेट्समैन के जितने भी कैंडिडेट जहाँ भी सेंटर आपका पड़ा है, अगर आपका अभी बाकी है पीटी पीएसटी और ट्रेड टेस्ट वगैरह डॉक्यूमेंटेशन, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी कैटेगरी से आप अप्लाई किए होंगे तब इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा है, वो भी ओरिजिनल भी दिखाऊँगा आपको कि ओरिजिनल कैसा आपका होना चाहिए, सेंट्रल का कैसा है और स्टेट का कैसा है, दोनों सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल, वो भी पूरा ओरिजिनल आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसा सर्टिफिकेट है स्टेट का और सेंट्रल का कैसा होना चाहिए, आखिर वहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांग रहा है तो कैसा सेंट्रल का होना चाहिए, और स्टेट का जो कैंडिडेट लेके जाते हैं तो कैसा सर्टिफिकेट है जिसके वजह से उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे एक सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट कौन सा है, ये है आपका स्टेट का। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट बिहार के जितने भी है कमेंट किए थे काफ़ी वीडियो पे, जिसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखा रहा हूँ जो बिहार राज्य बिहार सरकार का जो ओबीसी है वो कैसा देखने में है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ कार्यालय का नाम अंचल, मतलब जो भी आपका अंचल होगा वो आपको लिखा रहेगा बिहार में जो भी अंचल से रहते हैं। मेन यहाँ पे कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि ये बिहार सरकार के अंदर में जो भी वैकेंसी आएगी जो भी छूट वगैरह होगा वो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप ले सकते हैं। पर जो बीएसएफ कांस्टेबल स्टेट्समैन का जो भर्ती है वो सेंट्रल लेवल का है, जिसके वजह से वहाँ पर आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट काफ़ी स्टूडेंट लेके गए जिसके वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंटेशन में। तो यही बात है कि आने वाले जितने कैंडिडेट, अगर उनको पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट ले आने से रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या लिखा रहेगा। यहाँ पर एक ये सर्टिफिकेट आपका बनता है ब्लॉक यानी सीओ लेवल का, सर्कल ऑफिसर के द्वारा बनता है नॉन क्रीमी लेयर सीओ ऑब्लिक 2020, और उसके बाद जो नंबर रहेगा वो दिया रहेगा, जिस स्टेट में बनेगा उस स्टेट का यहाँ पे प्रिंट रहेगा। आपके यहाँ पे लिखा रहेगा, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका माता पिता का नाम, आपका जो ग्राम एड्रेस है वो सब रहेगा, और यहाँ पे कुछ ओबीसी का जाति के अनुसार जो नियम है धारा है वो यहाँ पर अनुसूची वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा रहता है, प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार कार्मिक और प्रौद्योगिकी कर में इतना नंबर इतना सस्ता में दिया जाता है, ये एक तो ओबीसी का एक नियम है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बारकोड दिया जाएगा, ये बिहार सरकार का जो भी से उसका हिसाब बता रहा हूँ। अगर अदर स्टेट का है, अगर आपके यहाँ पे ऑनलाइन बनता है तो उसका भी सेम प्रोसीजर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिजिटल साइन रहेगा जो भी सर्कल ऑफिसर का, और यहाँ पर बारकोड डेट रहेगा। तो ये तो बात हो गई कि आपका ओबीसी है वो बिहार सरकार के अंडर में है, ये बनाने के बाद ही आप जैसे जाति हो गया, ये जाति हो गया, आवासीय हो गया और इनकम सर्टिफिकेट हो गया, यानी ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, तीन चीज़ बनाने के बाद आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है। वो कैसा होता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ भी दो तरह का कैंडिडेट होंगे। एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि मेरे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है पर वो सीओ लेवल का है, क्या चल जाएगा। तो जहाँ तक पता है मुझे कि जो सेंट्रल का जो भी भर्ती आती है उसमें आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास सीओ लेवल का है तो उसमें एसडीओ या डीएम का साइन मोहर होना चाहिए, तभी आपका मान्यता वहाँ पे दिया जाएगा। सीओ लेवल तक आप सर्कल ऑफिसर तक के लेके जाते हैं तो वहाँ पे शायद आपको रिजेक्ट कर सकता है। एसडीओ का या डीएम का होना चाहिए, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा सर्टिफिकेट में कि एसडीओ का साइन कैसा होना चाहिए, डीएम का कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप ये सर्टिफिकेट देख लीजिए, यहाँ पर सर्टिफिकेट है, यहाँ पर डेट रहेगा। मेन पॉइंट है कि आपका जो भी राज्य का आपका रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा बिहार सरकार गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म संख्या 7 रहेगा, कार्यालय का नाम जो कार्यालय से आप बनाएंगे, और मेन पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, वो लोग बोलते हैं कि भारत सरकार का चाहिए, तो यहाँ लिखा है भारत सरकार की सेवा में
नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आने वाले संबंधित प्रमाण पत्र, ये लाइन उनको देख वो लोग देखते हैं। ये अगर आपके सर्टिफिकेट में लिखा है तो आपका 100% वो सेंट्रल का है, तभी जाके लिखा है। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ पे आपका आवेदन संख्या रहेगा जो ओबीसी का आवेदन संख्या होता है, और प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे दिया रहेगा, डेट यहाँ दिया रहेगा जिस डेट में आपका इशू हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा यह प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, उसके बाद आपका यहाँ पे फादर नेम, उसके बाद यहाँ गांव मोहल्ला जो भी है वो लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल के अंडर में आपका अगर कास्ट आता है तो बनेगा। तो इस तरह का लाइनें वहाँ पे लिखी रहेगी, जो रूल्स है उसके हिसाब से काफ़ी लंबा लिखा रहेगा, हिंदी चाहे इंग्लिश में, पर हिंदी में ज़्यादातर बिहार में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक बार कोड रहेगा, और यहाँ पे मेन है पॉइंट कि आपका नॉन क्रीमी लेयर का यहाँ पे एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर रहेगा, और यहाँ पे आपका जो नियम कानून यहाँ पे रहता है ओबीसी का वो लिखा रहेगा। तो ये बात हो गई। अब बात है कि यहाँ पे इस ओबीसी को बनाने के बाद सर्कल ऑफिसर यानी जो ब्लॉक लेवल पर बना लेते हैं तो आपको एसडीओ और एडीएम से कैसे साइन करवाना है, उसका कैसा रहेगा आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, वही वाला है जब मैं बनाया था उस समय मेरे पास फ़ोटो था, जिसके वजह से मैं आपको बिना मोहर का दिखा दिया। अब है यहाँ पे मेन ये ओबीसी सर्टिफिकेट हुआ जो कि सेंट्रल लेवल का। तो यहाँ पे देखिए सीओ लेवल का तो ये कागज़ आपको पूरा देगा प्रिंट करके सीओ लेवल पर, उसके बाद इस कागज़ को आपको अनुमंडल में लेकर जाना है जहाँ पे एसडीओ का साइन करवाना पड़ेगा फर्स्ट में। तो एसडीओ का साइन आप देखिए, एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेमो नंबर लिखा है, काउंटर साइन लिखा हुआ है, और ये मोहर मारा हुआ है। अब हो गया आपका डीएम का साइन करवाने के लिए, तो डीएम का पहले करवाएंगे या एसडीओ का करवाएंगे, तो फर्स्ट में आपको एसडीओ का करवाने के बाद ही आप डीएम के करवाएंगे। अगर आपके पास एसडीओ का भी साइन है तो आपका सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट बीएसएफ के वहाँ पे कंसीडर कर लिए जाएंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डीएम का करवाना है तो एसडीओ का करवाने के बाद ही डीएम का करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीएम का साइन है और मोहर है, और एक बड़ा सा मोहर है जिला अधिकारी का। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, जिसमें आपका यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा कंसीडर लिखा रहेगा, यहाँ पे एसडीओ का साइन, यहाँ पे डीएम का साइन और मोहर रहेगा। तो ये आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया आपका एसडीएम और एसडीओ लेवल का, भारत सरकार का सेंट्रल लेवल का। तो आपको यही सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको भर्ती में, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेगा ओबीसी से अगर आप भरे होंगे तो। अब बात है कि आपको कैसे बनाना है, तो फर्स्ट में आपको बनाने के लिए, फर्स्ट में अगर आपको ओबीसी बनाना है सेंट्रल लेवल का तो कैसे बनाना है बिहार सरकार का, तो फर्स्ट में आपको तो ये बिहार सरकार का ओबीसी बनवाना है, इसे जाति बोलते हैं। उसके बाद आवासीय बनाना है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके बाद आपको आय सर्टिफिकेट यानी इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। इस तीन सर्टिफिकेट को आपको ब्लॉक स्तर से बनवाना है। इस तीनों को बनने के बाद करीबन एक सप्ताह का समय लगता है। ये बनने के बाद आपको प्रिंटआउट देंगे, उस प्रिंटआउट को आपको जेरोक्स करवा के, तीनों का एक एक कॉपी जेरोक्स करवाने के बाद एक ब्लॉक के बाहर ही आपको दुकान में ग्रीन कलर का एक फॉर्म रहता है 4 से 5 पेज का, जिसमें भारत सरकार का ओबीसी बनाने के लिए रहता है, उसको आपको भरना है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो उसमें भरना है, आधार कार्ड का जेरोक्स और इस जाति आवासीय आय का जेरोक्स, तीनों को लगा देना है और आधार कार्ड को लगा देना है, इस फॉर्म को फिल करके 4-5 पेज का भरने के बाद ब्लॉक में आपको जमा करना है। जमा करने के बाद क्या होगा कि वो लोग आपको टाइम देंगे, एक रिसीप्ट देंगे, रिसीविंग देंगे, एक चौड़ा सा रिसीविंग रहेगा, उसमें आपका सब कुछ रेफरेंस नंबर वगैरह लिखा रहेगा, नाम एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा। उसके बाद आपको बोलेंगे एक सप्ताह का टाइम, 10 दिन का लग सकता है, तो आपको अगर आप जल्दीबाजी है तो उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा भी दे के आप करवा सकते हैं, तो आपको 2 दिन में भी बन सकता है। तो इसके बनने के बाद आपका, तो वो सब जमा करने के बाद एक सप्ताह हो चाहे 2 दिन हो, ये आप पे डिपेंड करता है, वो बना कर देगा आपको ये सर्टिफिकेट देगा, ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये वाला सर्टिफिकेट देगा, जिसमें कोई मोहर नहीं रहेगा, कोई साइन नहीं रहेगा। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, एसडीओ से साइन करवाने के लिए आपको जाना है अनुमंडल में, जिसमें एसडीओ से साइन करवा के मोहर मरवाना है, उसमें भी 2-3 दिन का टाइम लगता है, और डीएम से अगर करवाना है तो उसमें भी 2-3 दिन का टाइम लगता है। तो ये फाइनल प्रोसीजर है बनाने का, अगर आप नहीं बनवाए होंगे तो।
तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया। अगर डाउट क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट अगर बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।